हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानश्री एजुकेशनल ट्यूटोरियल पर। मैं पूनम मनवाला आज आपके लिए लेकर आई हूँ हरियाणा जीके का नया टॉपिक, हरियाणा की मस्जिदें और मकबरे। तो इस मस्जिद और मकबरे वाले टॉपिक से भी स्टूडेंट्स अक्सर क्वेश्चन बन जाता है, और आज हम इसको ऐसे तरीके से पढ़ेंगे कि वीडियो देखते देखते ये आपको मस्जिद और मकबरे यहीं पर याद हो जाएंगे। चलो अब शुरू करते हैं हमारे मस्जिद और मकबरे। तो अब देखते हैं रोहतक की मस्जिद। रोहतक में स्टूडेंट्स शीशे वाली मस्जिद, ये शीशे वाली मस्जिद कहां पर है? रोहतक में। तो जो इस शीशे वाली मस्जिद का जो प्रवेश द्वार है, जो एंट्री गेट है, वो संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। तो इससे दो क्वेश्चन बनेंगे कि शीशे वाली मस्जिद कहां पर है। तो शीशे वाली मस्जिद जो है रोहतक में है, और इस ऐसी मस्जिद का नाम बताओ जिसका कि प्रवेश द्वार जो है संगमरमर के पत्थर से बना है। तो वो रही थी हमारी शीशे वाली मस्जिद रोहतक। तो रोहतक की अगली मस्जिद है दीनी मस्जिद, तो ये भी हमारी कहां पर रहेगी? रोहतक में। तो जो ये दीनी मस्जिद है स्टूडेंट, इससे तीन चार क्वेश्चन है। ये जहाँ पे ये दीनी मस्जिद है वहां पे पहले क्या होता था? हिंदुओं का जैन मंदिर होता था। तो हिंदुओं का भगवान महावीर स्वामी का जैन मंदिर इस दीनी मस्जिद की जगह पर होता था, लेकिन मुगल सम्राट औरंगजेब ने उस जैन मंदिर को तुड़वा कर जो है इस दीनी मस्जिद को बनवाया था। लेकिन जैसे ही हमारा देश आजाद होता है 1947 में, उसके बाद इस दीनी मस्जिद की जगह पर फिर से जैन मंदिर बनवा दिया गया। लेकिन अब भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि दीनी मस्जिद कहाँ पे है? तो ये रोहतक में है। तो अब इन दोनों को हम याद करते हैं, रिलेट करते हैं, शीशे वाली मस्जिद और दीनी मस्जिद। दीनी से हम क्या रिलेट करेंगे? गरीबी, गरीब। और रोहतक से हम रिलेट करेंगे रोना, और शीशे वाली मस्जिद से हम शीशे वाली गाड़ी। कैसे रिलेट करेंगे इसको कि दीनी, अब हमें जो है अपनी गरीबी पर क्या है? रोना नहीं है। क्या है? हमें पूरी मेहनत और लगन से हमारा एग्जाम निकालना है और जॉब लगना है, और जॉब लगने के बाद क्या है? शीशे वाली गाड़ी में घूमना है। ये वैसे आपको याद करवाने के लिए ये रिलेट किया गया है। तो क्या अपनी गरीबी, अपनी दीन मीन्स गरीबी पर क्या है? हमें रोना नहीं है, और एग्जाम क्लियर करके जॉब लग कर क्या है? शीशे वाली गाड़ी में घूमना है। स्टूडेंट्स आई होप कि ऐसे आपको ये दोनों मस्जिद जो रोहतक में है वो याद हो गई होंगी। बस शीशे वाली मस्जिद से ये अच्छे से याद रखना है कि इसका जो प्रवेश द्वार है, एंट्री गेट है, वो संगमरमर के पत्थर का बना हुआ है। एक मस्जिद और है रोहतक में, वो है लाल मस्जिद। ये भी कहां रहेगी? रोहतक में। लेकिन इस लाल मस्जिद से जो है तीन क्वेश्चन बन जाते हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में अक्सर क्या है? प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आज हम देखते हैं लाल मस्जिद एक कहां रहेगी? रोहतक में। अगर क्वेश्चन आता है कि लाल मस्जिद कहाँ है, लाल लिखा हुआ है, तो उसका आंसर जाएगा कहाँ पे? रोहतक में। लेकिन रेड मस्जिद लिखा हुआ है और ऑप्शन में रेवाड़ी और रोहतक दोनों है, तो उसका आंसर रेवाड़ी लगाना है, रेड। तो रेड मस्जिद कहाँ रहेगी? हमारी रेवाड़ी में। और एक लाल मस्जिद हमारी है भिवानी में। तो क्वेश्चन एक बार ऐसे आया था कि भिवानी में जो लाल मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण करवाया था आसिक अली ने। और यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है कि जो रेड मस्जिद रेवाड़ी में है उसका निर्माण किसने करवाया था? मुगल बादशाह अकबर ने जो है इस रेड मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो ये रेड लाल से तीन बनते हैं, एक लाल मस्जिद रोहतक में, रेड मस्जिद रेवाड़ी में, और एक लाल मस्जिद भिवानी में। अगर लाल क्वेश्चन में आता है या तो आपको भिवानी मिलेगा या रोहतक मिलेगा। अगर दोनों ऑप्शन में मिलते हैं तो हमें रोहतक के साथ जाना है। तो लाल मस्जिद कहाँ पे है? रोहतक में। अगर रेड मस्जिद आएगा और ऑप्शन में भिवानी भी है, रोहतक भी है, रेवाड़ी भी, तो रेवाड़ी में, रेवाड़ी हमारा उत्तर होगा। तो रेड मस्जिद रेवाड़ी में, जिसका निर्माण किसने करवाया था? मुगल बादशाह अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया था? तो रेड मस्जिद का निर्माण अकबर ने, और भिवानी में जो लाल मस्जिद है उसका निर्माण करवाया था आसिक अली ने। अब हमारा नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है चरखी दादरी। चरखी दादरी में एक मस्जिद है, उसका नाम है मुबारक शाह की मस्जिद। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? अभी जो है चरखी दादरी जो नया जिला बना था भिवानी से अलग हो गए, तो सबने जो है चरखी दादरी वालों को क्या दी थी? मुबारकबाद की, मुबारक होगी आपका जिला अलग से नया जिला बन गया है। तो ऐसे ये मस्जिद आपको याद हो गई होगी कि पीर मुबारक, जैसे ही मुबारक दिखे तो चरखी दादरी नया डिस्ट्रिक्ट, तो पीर मुबारक शाह की मस्जिद रहेगी चरखी दादरी में। अगला हमारा डिस्ट्रिक्ट है झज्जर।
जधर में मस्जिद है काजी की मस्जिद। स्टूडेंट्स जो ये काजी की मस्जिद है इसको बुक्स रोहतक में दिखाती है, लेकिन ये काजी की मस्जिद जो है जज्जर डिस्ट्रिक्ट में रहेगी। जज्जर डिस्ट्रिक्ट के दुजाना गांव में जो है ये काजी की मस्जिद है, और ये मस्जिद जो है सफेद पत्थर से बनाई गई है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि सफेद पत्थर से कौन सी मस्जिद बनाई गई है, तो वो है काजी की मस्जिद जो कि जज्जर में रहेगी, जज्जर के दुजाना गांव में। अगला हमारा डिस्ट्रिक्ट है हिसार। हिसार से जो है लाट की मस्जिद, गुजरी महल। तो ये जो गुजरी महल है ये रहेगा हिसार में, और गुजरी महल में क्या है कि 8 स्तंभ लेख जो है हमें मिले हैं गुजरी महल से। तो ये जो लाट की मस्जिद है ये फिरोज सातुलग ने बनवाई थी अपनी प्रेमिका की याद में। तो क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि फिरोज सातुलग ने कौन सी मस्जिद बनवाई थी, तो लाट की मस्जिद। और गुजरी महल में हमें क्या मिले हैं 8 स्तंभ लेख। हिसार में एक मस्जिद और है, वो है मीठा पीर की मस्जिद। तो मीठा पीर की मस्जिद कहाँ पर रहेगी, हिसार में। लाट की मस्जिद हिसार में, और गुजरी महल भी हमारा कहाँ पर रहेगा, हिसार में। अगला हमारा डिस्ट्रिक्ट है गुरुग्राम। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है मस्जिद रहेगी, गुरुग्राम वाली मस्जिद जो है सबसे इम्पोर्टेंट है ये, तो 5 से 6 बार एग्जाम में रिपीट हो चुकी है। तो हम अब इसको याद करते हैं, सराय अलवर्दी की मस्जिद ये रहेगी गुरुग्राम में। तो गुरुग्राम से हम रिलेट करते हैं गुरु, और अलीवर्दी से रिलेट करते हैं अल्लाह। जैसे भी हम एग्जाम देने जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमारा एग्जाम दूर होता है तो हम एक दिन पहले वहां पर चले जाते हैं। तो हम कहाँ रुकते हैं, सराय में, धर्मशाला में, और वहां रुक कर हम क्या करते हैं, एक दिन पहले हमारे दिमाग में एग्जाम की बातें चलती हैं। तो जो गुरु को मानता है वो कहेगा गुरु, हे गुरु, हे गुरु की मेरा एग्जाम कल अच्छा होना चाहिए। और जो अल्लाह को मानता है वो कहेगा हे अल्लाह, हे अल्लाह मेरा एग्जाम जो है कल अच्छा जाना चाहिए। कहाँ पे रुकते हैं, सराय में। तो ऐसे इसको रिलेट करके, ये इम्पोर्टेंट मस्जिद है इसलिए मैंने इसको ऐसे रिलेट करवाया है कि गुरु से गुरुग्राम, अल्लाह से अलवर्दी, और सराय से सराय अलवर्दी खान की मस्जिद जो है ये रहेगी गुरुग्राम में। अगला हमारा डिस्ट्रिक्ट रहेगा कैथल। अब देखते हैं कैथल की मस्जिद, कैथल का मकबरा। कैथल में जो है रजिया सुल्तान का मकबरा है, कैथल में जो है रजिया सुल्तान का मकबरा है। स्टूडेंट्स जो ये रजिया सुल्तान है ये पहली हिंदू महिला शासिका है। तो इंडिया जी के क्वेश्चन पूछती है कि पहली हिंदू महिला शासिका कौन रहेगी, रजिया सुल्तान। तो ये जो है इल्तुतमिश की थी, ये किसकी, इल्तुतमिश की बेटी थी। तो इसने कब से कब तक शासन किया था, 1936 से 1940। तो फिर इसकी क्या है, कैथल में इसकी डेथ हो गई थी, और वहां पे इसका क्या है, रजिया सुल्तान का मकबरा बना दिया गया था। अगला मकबरा है शाह कमाल की मजार, बाबा शाह कमाल की मजार, ये कहाँ रहेगी, कैथल में। तो इसको हम रिलेट करते हैं कमाल, कैथल से क्या है, थल की साउंड आ रही है ना, तो थल से क्या है, जमीन, भूमि। तो कैथल की भूमि कैसी है, कमाल की है। जैसे कि वहां पे बहुत ज्यादा धान होता है ना, वहां पे खेती बहुत ज्यादा होती है, तो कैथल की जो भूमि है, थल से भूमि और कमाल से बड़े कमाल की है। यह ऐसे रिलेट कर लो, कैसे कमाल और कैसे कैथल। तो कैथल में रहेगी बाबा शाह कमाल की मजार और रजिया सुल्तान का मकबरा। रजिया सुल्तान का मकबरा तो 5 से 6 बार क्वेश्चन में आ चुका है, तो ये कहाँ रहेगा, कैथल में। अगला हमारा डिस्ट्रिक्ट है पानीपत। तो पानीपत में क्या है, काबुली बाग मस्जिद। अभी ये एसआई के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, काबुली बाग मस्जिद कहाँ है, पानीपत में। इसको किसने बनवाया था, तो इसको जो बाबर थे, मुगल शासक बाबर, उन्होंने पानीपत की पहली लड़ाई जीत कर इस काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था अपनी बेगम की याद में। तो जो है इसका निर्माण में क्या है, काले रंग के पत्थर का यूज किया गया है। ये कैसे पत्थर की बनी है, काले रंग के पत्थर की बनी है काबुली बाग मस्जिद, ये इम्पोर्टेंट है। तो अगला है इब्राहिम लोदी का मकबरा। जब पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। तो इस युद्ध में जो है इब्राहिम लोदी की जो है हार हुई थी, और बाबर ने इस लड़ाई को जीता था। तो वहां पर इब्राहिम लोदी की जो है मृत्यु हो जाती है पानीपत में, तो वहीं पर क्या इसका मकबरा बना दिया जाता है। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ रहेगा, पानीपत में। अगला है हमारा हाली की दरगाह, ये भी कहाँ रहेगी, पानीपत में। इसको रिलेट करते हैं हाली, हाली से क्या है, होली। होली किससे खेलते हैं, पानी से। तो हाली की दरगाह पानीपत, पानी से पानी और हाली से होली। तो हाली की दरगाह रहेगी हमारी पानीपत में।
अगला हमारा डिस्ट्रिक्ट है सोनीपत। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, खिज्जर खां का मकबरा ये रहेगा हमारा सोनीपत में। खिज्जर खां का मकबरा सोनीपत में, इसको हम रिलेट करते हैं। बच्चे क्या है, कहीं पे भी जाते हैं बाजार में तो क्या करते हैं, खिलौनों को देखते हैं, और जो सोनी 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 से हम रिलेट करेंगे, सोने मतलब अच्छे अच्छे खिलौनों को देख कर क्या है, डिमांड करते हैं कि हमें ये लेना है, और जब हम उनको नहीं वो खिलौने दिलाते नहीं है तो वो क्या हो जाते हैं, खींच जाते हैं। तो जब हम उनको उनकी पसंद के सोने खिलौने नहीं दिलाते तो बच्चे क्या हो जाते हैं, खींच जाते हैं। तो सोनीपत से खिज्जर खां का मकबरा, ये भी 4 से 5 बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो अगला हमारा डिस्ट्रिक्ट रहेगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र से है सेठ चिल्ली का मकबरा, ये कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र के थानेसर में। जो ये सेठ चिल्ली का मकबरा है इसको क्या कहा जाता है, हरियाणा का ताजमहल। तो क्वेश्चन अगर ऐसे आता है कि हरियाणा का ताजमहल किस मकबरे को कहा जाता है, सेठ चिल्ली के मकबरे को, और ये रहेगा थानेसर में। ये जो सेठ चिल्ली है ये जो है शाहजहां और जहांगीर के क्या रहे हैं, गुरु रहे हैं। जो मुगल बादशाह शाहजहां और जहांगीर है उसके गुरु कौन रहे हैं, सेठ चिल्ली। अगला हमारा डिस्ट्रिक्ट है फतेहाबाद। फतेहाबाद में रहेगी हमारी संत मीर शाह की दरगाह। संत मीर शाह की दरगाह कहाँ रहेगी, फतेहाबाद में। तो हम इसको रिलेट करते हैं कि जो है कि संत से जो सच्चा संत होता है ना, वो हमें क्या सिखाता है कि हमें बुराइयों पर कैसे फतेह हासिल करनी है, फतेह क्या मतलब बुराइयों पर कैसे जीत हासिल करनी है। तो कोई सच्चा संत है वही हमको सिखाता है कि हम अपनी बुराइयों से कैसे लड़ सकते हैं, उन पर कैसे फतेह हासिल कर सकते हैं। तो फतेहाबाद से हमारा रहेगा संत मीर शाह की दरगाह। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो देखते देखते ये चीजें याद हो रही होंगी। अब देखते हैं नारनौल। नारनौल कहाँ है हमारा, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। इसमें जो है स्टूडेंट बहुत सारे क्या है, दरगाह और मकबरे हैं। अब तक ये क्वेश्चन बना नहीं है कि सबसे ज्यादा दरगाह और मकबरे कहाँ पे हैं, तो आगे बन सकता है कि सबसे ज्यादा मकबरे और दरगाह कहाँ रहेंगी हमारी, नारनौल में। और ये नारनौल जो है कहाँ पे है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। तो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से एक क्वेश्चन और बन जाता है, वहां पर क्या है, एक राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी है, जो सेंटर की यूनिवर्सिटी है वो पूरे हरियाणा में एक ही है, वो रहेगी हमारे महेंद्रगढ़ के जंतपाली में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो ये पूछा गया था कि उसका निर्माण कब किया गया था, तो वो कब बनाई गई थी, सन 2009 में वो यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। अब देखते हैं नारनौल के दरगाह। नारनौल में जो है हमजा पीर की दरगाह, ये रहेगी हमारी नारनौल में। अगली हमारी है सहा विलायत खां का मकबरा, ये भी कहाँ पे रहेगा, नारनौल में। बीरबल का छत्ता, राय मुकुंद का छत्ता, स्टूडेंट ये एक ही बात है, दोनों ये एक ही हैं, बीरबल का छत्ता और उसी को क्या बोलते हैं, राय मुकुंद का छत्ता। तो ये भी कहाँ रहेगा, नारनौल में। अगला हमारा है इब्राहिम सूरी का मकबरा, ये नारनौल में। तो जो ये इब्राहिम सूरी थे ये शेरशाह सूरी के क्या थे, दादा थे। तो एक बार एचएसएससी में क्वेश्चन आया था कि जो है शेरशाह सूरी का बचपन कहाँ पर बीता था, तो वो बीता था महेंद्रगढ़ जिले में, और जो उनके दादा हैं इब्राहिम सूरी उनका मकबरा कहाँ रहेगा, नारनौल में। अगला हमारा है शाह कुली का मकबरा, ये भी कहाँ पे रहेगा, नारनौल में। स्टूडेंट नारनौल में जो है कई मकबरे हैं, तो इनको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हमजा पीर की दरगाह ये रहेगी हमारी नारनौल में। सहा विलायत खां का मकबरा ये रहेगा नारनौल में। बीरबल का छत्ता और राय मुकुंद का छत्ता, ये दोनों नाम एक ही है, मतलब इसका बीरबल का छत्ता भी आ सकता है और राय मुकुंद का छत्ता भी आ सकता है, ये दोनों रहेंगे नारनौल में। इब्राहिम सूरी का मकबरा जो कि शेरशाह सूरी के दादा थे, नारनौल। सहा कुली का मकबरा ये रहेगा नारनौल में। तो स्टूडेंट्स आज हमने किया एचएसएससी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मस्जिदें और मकबरे। आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो देखते देखते ही ये आपको यहीं से याद हो गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको शेयर करना है और लाइक करना है, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस चैनल पर डेली 1 से 2 वीडियो अपलोड होती रहती है। थैंक यू।